असम में फिर प्रलयंकारी बाढ़ ने दी दस्तक। बाढ़ की तीसरी लहर में धेमाजी, डिब्रूगढ़, गोलाघाट सहित कई जिले प्रभावित। सैकड़ों गांव बाढ़ के पानी में जलमग्न। 70,000 से अधिक लोग प्रभावित। राहत शिविरों में रहने पर फिर मजबूर बाढ़ प्रभावित लोग। देश के अन्य राज्यों के साथ साथ पूर्वोत्तर में भी प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। पिछले कई दिनों से अरुणाचल प्रदेश और असम में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ ने एक बार फिर दस्तक दी है। असम में इस साल तीसरी लहर की आई बाढ़ में धेमाजी, लखीमपुर, डिब्रूगढ़, गोलाघाट, नगांव सहित कई जिले प्रभावित हुए हैं। बाढ़ का सर्वाधिक प्रकोप धेमाजी जिले में देखा जा रहा है, जहां सैकड़ों गांव बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। वहीं इस वक्त असम में 120 से अधिक गांव बाढ़ के पानी में जलमग्न हैं और 70,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं। दूसरी ओर 3,000 से अधिक हेक्टेयर की कृषि भूमि भी इस बाढ़ में बर्बाद हुई है। यह तस्वीर गहपुर की है, जहां बाढ़ के पानी में पूरा खेत डूब चुका है। किसान परेशान है। खेतियों को कोनो फाले निस्थार नाइकिया हुई से। एक फाले हाथी उपद्रव, आन फाले बानपानी उपद्रव। हाथी उपद्रव कारण यह अंचल मानुखिनिये धान खेती कारण सम्पूर्ण खेतियाबाते बाद दिले। तार परिवर्ते मानुहे अकल माटिमा और सरियर ऊपर निर्भर कर परियाल पोहपाल दी आसे। किन्तु आजि आबतरिया माने आहिन माहत आहि आपोनलोके देखिसे हजार हजार बिघा माटि पानीर तलत आसे, सम्पूर्ण तलत आसे। गतिके आपोनलोके अनुरोध जनाओ जे एई खिलंजिया मानुखिनिर दुख दुर्गति अलप साउक आरु एई मानुखिनिर क्षतिर जितु खेति क्षति होइसे एई क्षतिर क्षतिपूरण आपोनलोके दियार ब्यवस्थाटु करक। वहीं ब्रह्मपुत्र जोरहाट के निमाती घाट सहित कई स्थानों पर रौद्र रूप ले चुका है। यहां ब्रह्मपुत्र खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। ब्रह्मपुत्र में बढ़े जलस्तर के कारण डिब्रूगढ़ के मायजान में तटबंध टूट चुका है, जिसकी मरम्मत में सैकड़ों मजदूर दिन रात काम कर रहे हैं। আমি নিশ্চয় কৰি কৈছো যেতিয়া এতিয়া যিটো নিম্ন মানদণ্ডৰ যিটো কাম হৈ আছে এই ব্যৱস্থা কিন্তু কোনো ধৰণৰ যেতিয়া গড়খনীয়া ৰুট কৰিব নোৱাৰে। আমি এতিয়া দেখিবলৈ পাইছোঁ ইতিমধ্যে আমাৰ মাথাউৰিটো কাটি পেলাই ইয়াত মাথাউৰি জিঅ' বেগ মানে ফুল কৰিছে। এইটো আচলতে এটা স্থায়ী সমাধান নহয়। আচলতে জিঅ' বেগটো বালি বা পলসৰে মানে পেক কৰিলেহে এইটো অলপ টাইট হয় বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। এতিয়া তেওঁলোকে খৰখেদাকে যি ধৰণে যি পাইছে, মই সময় থাকোঁতে তেওঁলোকে এটা ব্যৱস্থা নল'লে, যি ধৰণৰ পাইছে তেনেকুৱা জিঅ' বেগ পেকিং কৰিছে। আমি শনিবাৰে চাইছিলোঁ প্ৰায় দুশ মিটাৰ মান মাটি শনিবাৰৰ পৰা ইয়ালৈকে আজি দুশৰ পৰা প্ৰায় 250 মিটাৰ মাটি অলৰেডি ইতিমধ্যে ব্ৰহ্মপুত্ৰত যা গৈছে। আমি আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, আজি বাতৰি পৰিৱেশন হোৱাৰ কাৰণে আজি তৎপৰ হৈছে ডিপাৰ্টমেণ্ট, ইয়াৰ অসম চৰকাৰ। আমি এটা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তথাপিতো আজি মানে যি ধৰণৰ মানে মানে কাম হ'ব লাগিছিল স্থায়ী সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত, সেই কাম আমি আজি তাৰিখত দেখিবলৈ আমি পোৱা নাই। माजुली में भी ब्रह्मपुत्र खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। तटीय इलाके बाढ़ के कारण डूब चुके हैं। सुवनशिरी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ के कारण माजुली में फेरी सेवा भी प्रभावित हुई है। सिंगल इंजन वाली फेरी को छोड़कर सभी प्रकार की फेरी सेवा यहां तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए गए हैं। ब्रह्मपुत्र की तेज धार को देखते हुए जल परिवहन विभाग ने यह फैसला लिया है। কালিও আমি চাৰিচকীয়া বাহন পাৰ কৰিব পৰা নাই, যিহেতু আমাৰ ৰেম্পসমূহ ডুবি গৈছে। প্ৰায় এটা ৰেম্প আছে, এটা ৰেম্পৰ পৰা আমি বাইক আৰু যাত্ৰীসকলক পাৰ কৰি আছোঁ। ঠিক আজিও তেনেধৰণে আমি চাৰিচকীয়া বাহনসমূহ আমি পাৰ কৰিব আমি নোৱাৰিম। আজিও অকল বাইক আৰু পেচেঞ্জাৰখিনি আমি পাৰ কৰিব পাৰিম। হয়, পানী যেতিয়ালৈকে নুশুকায়, আমাৰ ৰেম্পসমূহ যেতিয়ালৈকে নোলায় ভাল ধৰণে, তেতিয়ালৈকে অৱস্থা একে থাকিব। হয়, আমি আগতো দেখা নাই অৱশ্যে এই অৱস্থাটো, কিন্তু এইবাৰ আমি প্ৰথম মানে পাইছোঁ। কাৰণ আহিনমহীয়া ইমান ডাঙৰ পানী হৈ জনসাধাৰণক মানে বিপদত পাইছে। बताते चले कि अरुणाचल में हो रही बारिश के कारण निचले सुवनशिरी पनबिजली परियोजना में भारी नुकसान हुआ है। निर्माणाधीन परियोजना में गार्डवाल का एक हिस्सा गिर गया, तो दूसरे दिन एक टनल भी ढह गया है। यहां बता दें कि मई जून में पहले चरण और जुलाई अगस्त में दूसरे चरण की आई बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई थी। उस दौरान दिमाहसाओ जिला बाढ़ और भूस्खलन से सर्वाधिक प्रभावित हुआ था, जिसकी भरपाई आज तक नहीं हो पाई है।
पहले और दूसरे चरण की बाढ़ में 200 से अधिक लोगों की जान गई थी और अब फिर से असम में बाढ़ की तीसरी लहर ने चिंता और परेशानियां खड़ी कर दी हैं। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट लाइव।